अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको iPad Air 2 15.6 हेलो स्क्रीन बाईपास करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है पहले आपके लिए वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। प्रोसेस ये है कि आपको जो अनलॉक टूल प्रोवाइड करता है सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर आपने सबसे पहले अपनी इस डिवाइस के ऊपर रजिस्टर करना है। हेलो स्क्रीन के लिए आपके पास कोई भी डिवाइस है तो आप पहले सीरियल राइट करेंगे, सीरियल राइट करने के बाद जो है आप उसका बाईपास जो है वो कर सकते हैं हेलो स्क्रीन का। पासकोड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हेलो स्क्रीन बाईपास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीरियल चेंज होना, और वो किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर जो है वो बता देता हूँ। इससे पहले भी मैं आईपैड की जो है वो बैकअप पासकोड और रिस्टोर की जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, और अभी फ़िलहाल मैं हेलो स्क्रीन की जो है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। iPad Air 2 है मेरे पास, तो उसको किस तरीके से वो वर्क करता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आए फिर हम शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आप मेरा अनलॉक टूल है। अनलॉक टूल को हम ओपन करेंगे और बूट करवाएंगे। बूट वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें सबसे पहले जो है वो इसको पॉन DFU में लेके जाना पड़ेगा। पॉन DFU के अंदर लेके जाने के लिए हमें डिवाइस जो है उसको मैक के थ्रू जो है वो पॉन DFU करना होगा। अगर किसी को नहीं करना आता तो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने करके दिखाया और एक सेपरेट वीडियो भी मैंने शेयर किया जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहाँ से जो है आप इसको कनेक्ट करें। और कनेक्ट करने के बाद जो है जैसे वो डन हो, जैसे ये देख सकते हैं मेरा डन हो चुका है, तो डिवाइस जो है अभी वो बूटिंग ओके, ये देखिए ये स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पिछली वीडियो देख के इसको क्लियर कर सकता है कि हम किस तरीके से मैक के ऊपर इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद ही ये वर्क करेगा। ये ना विंडो टूल पे वर्क करेगा पॉन DFU, ना किसी भी टूल के साथ ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ आपको मैक के साथ ही इसको प्रोसेस करना होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैक के साथ किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इधर मेरी डिवाइस जो है वो वर्क कर रही है अभी। तो इसको जो है जैसे ही ये वर्क करती है तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंतहाई सिंपल है। जैसे हम आईफोन का बाईपास करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसका बाईपास जो है वो कर सकते हैं। तो वो बाईपास करने के लिए जो है वो आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा टाइम ले रही है। तो ये जैसे ही ये डन होगा इसके बाद हम इसको करेंगे फिक्स माउंट। फिक्स माउंट के अंदर भी एक चीज़ जो है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा और बता भी दूंगा कि वो चीज़ क्या होगी। पहले ये जो है ये क्लियर हो जाए, ये क्लियर होने के बाद जो है वो अगला प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं वो ही वीडियोज़ अपलोड करूँगा जो 100% टेस्टेड होंगी। कोई फेक वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड नहीं होती। और अगर आपको किसी किस्म का कोई सलूशन चाहिए, कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के बाद जो है वो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये अभी जो डिवाइस है ये अभी थोड़ा टाइम ले रही है। मैं वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको नॉर्मली चलने दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मतलब आपको बाद में समझ में ना आए कि इसको किस तरीके से जो है ये वर्क करेगा। तो ये मैं अभी फ़िलहाल जो है इसको स्टार्ट किया हुआ है, अभी देखते हैं ये क्या करता है। अगर फेल करेगा तो हम दोबारा ट्राई करेंगे, तो अगर ये क्लियर कर देता तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगला प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज भी है, अगर किसी ने कुछ सलूशन किसी को चाहिए हो या किसी चीज़ का पासवर्ड, क्योंकि कुछ फाइलों को पासवर्ड लगे हैं, तो वो मुझे फेसबुक के पेज के ऊपर भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी टाइम लेने के बाद ये है जो स्टार्ट हुआ है और इसका प्रोसेस जो है वो आगे शुरू हो गया है।
ये आप देख सकते हैं ये बूटिंग कर रही है डिवाइस, बूटिंग रैम डिस्क। तो बूटिंग रैम डिस्क के बाद जो है ये हम इसको अगला प्रोसेस, ये देखें ये ओके हो चुका है बूटिंग रैम डिस्क। अब हम फिक्स माउंट करते हैं। फिक्स माउंट के अंदर जो है अगर आपकी डिवाइस कुछ अर्से के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए ये स्टक हो जाती है तो आप केबल को निकाल के रोटेट करके दूसरी साइड से घुमा के लगा दें तो फिक्स माउंट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मेरा आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं इसके केबल को जो है वो निकाल के दोबारा जब लगाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ये दोबारा जो है ये इशू नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं ये अब ओके हो गया। तो फिर से हम जो है इसको एक दफ़ा फिक्स माउंट कर देते हैं। तो हम जो फिक्स माउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद सिंपल जो है आपने बाईपास कर देना है इसका। तो ये बाईपास आपने कर देना है इसका। जैसे ही आपका बाईपास जो है वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगी। तो ये हो चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही बाईपास था। सिर्फ आपको सीरियल चेंज करना ज़रूरी है। सीरियल जो है वो अगर आप चेंज करते हैं तो आपका प्रोसेस है वरना नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।